खान अब्दुल गफार खान, जिन्हें सीमांत गांधी, बच्चा खान तथा बादशाह खान के नाम से भी पुकारा जाता है, ब्रिटिश सरकार से आजादी के लिए संघर्षरत स्वतंत्र पख्तूनिस्तान आंदोलन के प्रणेता थे। अब्दुल गफार खान एक राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे, जिन्हें महात्मा गांधी के तरह उनके अहिंसात्मक आंदोलन के लिए जाना जाता है। नाम खान अब्दुल गफार खान, जन्म 6 फरवरी 1890 चरसद्दा खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान, निधन 20 जनवरी 1988 पेशावर पाकिस्तान। कार्य पश्तूनी स्वाधीनता सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता, भारत रत्न 1987 में भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। खान अब्दुल गफार खान का जन्म ब्रिटिश इंडिया में पेशावर घाटी के उत्माई जैक में एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता बहराम इलाके के एक समृद्ध जमींदार थे और स्थानीय पठानों के विरोध के बावजूद उन्होंने अपने दोनों बेटों को अंग्रेजों द्वारा संचालित मिशन स्कूल में पढ़ाया। इसके बाद गफ्फार खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई के लिए अपने भाई की तरह लंदन जाना चाहते थे, पर उनकी माँ इसके खिलाफ थी, इसलिए उन्होंने ये विचार त्याग दिया और अपने पिता के साथ खेतीबाड़ी का कार्य करने लगे। सन 1910 में 20 साल की उम्र में गफ्फार ने अपने गृह नगर उत्माईजई में एक स्कूल खोला, जो बहुत सफल साबित हुआ। 1911 में वो पश्तून स्वतंत्रता सेनानी तुरंगजई के हाजी साहेब के स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए। अंग्रेजी हुकूमत ने उनके स्कूल को सन 1915 में प्रतिबंधित कर दिया। सन 1915 से लेकर 1918 तक उन्होंने पश्तूनों को जागृत करने के लिए लगभग 500 गांवों की यात्रा की, जिसके बाद उन्हें बादशाह खान का नाम दिया गया। बादशाह खान ने अंग्रेजों के विरुद्ध लगभग सारे विद्रोहों को असफल होते देखा था, अतः उन्हें लगा कि सामाजिक चेतना के द्वारा ही पश्तूनों में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसके बाद बादशाह खान ने एक के बाद एक कई सामाजिक संगठनों की स्थापना की। नवंबर 1929 में उन्होंने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की, जिसकी सफलता ने अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी और फिर उसे बर्बरता पूर्वक कुचलने की कोशिश हुई। पश्तूनों के उत्थान में संघर्षरत बादशाह खान एक ऐसे भारत की स्थापना चाहते थे जो आजाद और धर्मनिरपेक्ष हो। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन बनाया, जिसे सुर्खपोश भी कहा गया। खुदाई खिदमतगार की स्थापना महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह जैसे सिद्धांतों से प्रेरित होकर की गई थी। बादशाह खान के करिश्माई नेतृत्व का कमाल था कि संगठन में लगभग 1,00,000 सदस्य शामिल हो गए और उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजी पुलिस और सेना का विरोध करना शुरू कर दिया। 1930 ईस्वी के नमक सत्याग्रह के दौरान गफ्फार खान को 23 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके स्वरूप खुदाई खिदमतगारों का एक जत्था विरोध प्रदर्शन के लिए पेशावर के किस्सा खुआनी बाजार में इकट्ठा हुआ। अंग्रेजों ने निहत्थी और अहिंसात्मक भीड़ पर मशीन गनों से गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिसमें लगभग 200 से 250 लोग मारे गए। इसी दौरान गढ़वाल राइफल रेजिमेंट के 2 प्लाटूनों ने निहत्थी और अहिंसात्मक भीड़ पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका कोर्ट मार्शल किया गया और कठोर सजा सुनाई गई।
गफ्फार खान और महात्मा गांधी के बीच एक आध्यात्मिक स्तर की मित्रता थी। दोनों को एक दूसरे के प्रति अपार स्नेह और सम्मान था और दोनों ने सन 1947 तक मिलजुल कर काम किया। गफ्फार खान के खुदाई खिदमतगार और कांग्रेस ने स्वाधीनता के संघर्ष में एक दूसरे का साथ निभाया। बादशाह खान खुद कांग्रेस के सदस्य बन गए थे। कई मौकों पर जब कांग्रेस गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं होती तब गफ्फार खान गांधी के साथ खड़े दिखते। वो कई सालों तक कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य रहे पर उन्होंने अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। गफ्फार खान महिला अधिकारों और अहिंसा के पुरजोर समर्थक थे। उन्हें एक ऐसे समाज से भी घोर सम्मान और प्रतिष्ठा मिली जो अपने लड़ाकू प्रवृत्ति के लिए माना जाता था। उन्होंने ताउम्र अहिंसा में अपना विश्वास कायम रखा। उनके इन सिद्धांतों के कारण भारत में उन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से पुकारा जाता है। एक धर्म निरपेक्ष इंसान होने के नाते गफ्फार खान ने हमेशा ही भारत के विभाजन का विरोध किया, जिसके कारण लोगों ने उन्हें मुस्लिम विरोधी भी कहा और 1946 में पेशावर में उन पर जानलेवा हमला भी हुआ। जब कांग्रेस भारत का विभाजन रोकने में असफल रही तब गफ्फार खान बहुत आहत हुए। हालांकि देश के विभाजन से गफ्फार खान किसी प्रकार से भी सहमत नहीं थे, पर बंटवारे के बाद उन्होंने पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय लिया और देश के प्रति अपनी निष्ठा भी प्रकट की, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत को उनकी निष्ठा पर सदैव संदेह रहा। विडम्बना ऐसे रही कि इस महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी की इच्छाओं को पाकिस्तान की सरकार ने अनसुना कर दिया और सरकार खान एवं उनके समर्थकों को पाकिस्तान की विकास और प्रगति में बाधा मानते रहे। उनकी निष्ठा पर संदेह करने वाली तमाम सरकारों ने उन्हें या तो घर में नजरबंद रखा या जेल में रखा। इलाज के लिए वो कुछ समय के लिए इंग्लैंड गए और फिर वहां से अफगानिस्तान चले गए। लगभग 8 सालों तक निर्वासित जीवन बिताने के बाद 1972 में वो वापस लौटे, पर बैनर्जी भुट्टो सरकार ने उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया। सन 1987 में भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। खान अब्दुल गफ्फार खान का निधन सन 1988 में पेशावर में हुआ, जहां उन्हें घर में नजरबंद रखा गया था। उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें उनके जलालाबाद स्थित घर में दफनाया गया। उनके अंतिम संस्कार में 2 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल हुए, जो उनके महान व्यक्तित्व का परिचायक था।